हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स। आज का जीएसटी डे 4 है और आज के लेक्चर्स में हम लोग फंडामेंटल ऑफ जीएसटी रिटर्न, जो जीएसटी रिटर्न्स का फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सीखेंगे इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे GSTR 1 को फाइल करते हैं वो सीखेंगे। तो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेगा वो इस प्रकार रहेगा गाइस। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो व्हाट इज़ द जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न होता क्या है, Who should file the GST return? किसको GST रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था GST रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, बट यहाँ पे हम सीखने चाह रहे हैं कि GST का रिटर्न किनको भरना अनिवार्य है एंड कौन कौन से GST के रिटर्न्स होते हैं एंड उसके ड्यू डेट क्या है, GST रिटर्न के फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है। आज इन सब बातों पे हम लोग डील करेंगे, करेक्ट गाइस, इस पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द GST रिटर्न। सो व्हाट इज द GST रिटर्न। देखिए स्क्रीन पे, GST रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर सेल्स, परचेज, टैक्स कलेक्टेड एंड टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स एंड टैक्स पेड ऑन परचेज, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। वंस यू फाइल द GST रिटर्न यू विल नीड टू पे द रिजल्टिंग टैक्स लाइबिलिटीज, मनी दैट यू ओ द गवर्नमेंट, करेक्ट गाइस। मतलब GST रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है गाइस जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं, कितना आपने परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, परचेज पे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है एंड सेल्स पे कितने आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है, नेट में आपकी लायबिलिटी कितनी बैठ रही है गवर्नमेंट्स को, हम जो उसको पे करना पड़ता है, करेक्ट। तो GST रिटर्न इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ द परचेज, सेल्स, टैक्स लायबिलिटीज एंड टैक्स कलेक्टेड, करेक्ट गाइस। एंड सेकेंड वन इज द हु शुड फाइल द रिटर्न, किनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, करेक्ट, किनको फाइल GST का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और GST हैज टू बी फाइल्ड बाय ऑल द बिजनेस एंटिटीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर द GST सिस्टम। मतलब जितने लोग भी GST का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं उन्हें GST का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। The filing process has to be identified on the basis of the nature of the business. The filing का जो प्रोसेस रहेगा वो बिजनेस का जो नेचर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। In general, any business which is enrolled under GST system will be required to file 2 return on a monthly basis and 1 return on annual basis. जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो आपके बिजनेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। बट नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स को मंथली 2 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, दैट इज द GSTR 1 और GSTR 3V, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, दैट इज द GSTR 9, करेक्ट गाइस। तो हमने 2 पॉइंट्स पे क्लियर किया। पहले GST का रिटर्न क्या है, हमने बताया GST का रिटर्न एक डॉक्यूमेंट्स है जो हमें फिल करना पड़ता है गवर्नमेंट के वेबसाइट में, जिसमें हमको ये शो करना पड़ता है कितना हमने परचेजेस किया है, कितना सेल्स किया है, परचेजेस पे कितना हमने इनपुट टैक्स ITC पे किया है गाइस, एंड सेल्स पे कितने हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है, और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। परचेजेस पे जो हम टैक्स देते हैं दैट इज़ इनपुट टैक्स एंड सेल्स पे जो कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स। उसके बाद किनको रिटर्न फाइल करना चाहिए वो हमने देखा। तो रिटर्न फाइलिंग में हमने बताया गाइस कि हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो GST में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसे क्या करने की ज़रूरत है, उसे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। नॉर्मली कौन सा रिटर्न फाइल करना है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, बट अगर नॉर्मली आपकी बात करें तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को मंथली 2 रिटर्न फाइल करना है और एनुअल 1 रिटर्न फाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल GSTR 1 एंड GSTR 3B जो मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा एंड GSTR 9 जो एनुअल बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा, करेक्ट गाइस। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, GST रिटर्न एंड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग। कौन कौन से GST रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं और उसके ड्यू डेट क्या है, करेक्ट। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द GST लॉ अलॉन्ग विद द ड्यू डेट। यहां हमने एक लिस्ट बनाया गाइस जहां पे आप देख सकते हो कौन कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना है रिटर्न एंड उसके ड्यू डेट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द, मैं इसे जूम कर देता हूं गाइस, करेक्ट, आपको दिख रहा है रिटर्न्स फॉर्म्स। डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यू डेट, मतलब कौन कौन से रिटर्न फॉर्म्स होते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन किनको भरना है, क्या डिटेल उसमें जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब भरना है एंड उसके ड्यू डेट क्या है। तो सबसे पहले आता है नंबर GSTR 1 का गाइस, GSTR 1 दैट इज GST रिटर्न 1। इसमें क्या भरना पड़ता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्टेड। इसमें आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया है गाइस, चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, उसका डिटेल्स हमको GSTR 1 में फाइल करना पड़ता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मंथली या क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको क्वार्टरली, और क्वार्टरली कौन ऑप्ट कर सकता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था गाइस कि जिनके टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, वो क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली GSTR 1 ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो क्वार्टरली रिटर्न आएगा आपका, अगर क्वार्टरली नहीं ऑप्ट किया है तो मंथली करना पड़ेगा। एंड उसका डेट क्या रहेगा, अगर आप मंथली किए तो 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। आपको 10 तारीख तक अपने मंथ का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल का आपको रिटर्न फाइल करना है तो नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपको फाइल करना है, दैट इज द 10th मई का जो रिटर्न जाएगा वो 10th जून तक जाना चाहिए। जून में आपने जितने भी सप्लाई किया है उसका डिटेल्स जुलाई 10 तक आपको फाइल कर देना है। बट अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट किया हुआ है तो एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, आपका जो क्वार्टरली अगर सेलेक्ट किया है एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, क्वार्टर के अगले महीने के लास्ट तक। जैसे पहला क्वार्टर हमारा कब कंप्लीट होता है, जून में, ठीक है, 30th जून, अप्रैल में जून, तो 30th जून का रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, 31st जुलाई करेंगे। सेकेंड क्वार्टर हमारा कब आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, कब ओवर होता है, 30th सितंबर को, तो उसका रिटर्न हमें 31st अक्टूबर तक फाइल कर देना है, अगर आपने क्वार्टरली GSTR 1 को सेलेक्ट किया है, करेक्ट। अब आता है दूसरा फॉर्म गई GSTR 2, दैट इज द GSTR 2, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन रिमूव कर दिया गया है, कब से, फ्रॉम द सितंबर 2017 ऑनवर्ड से। इसमें बेसिकली क्या डिटेल्स हमको पुट करने का फॉर्मेट था, इसमें इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी हम परचेजेस करते थे उसके डिटेलिंग हमें GSTR 2 में फाइल करना पड़ता है, जो कि अभी सस्पेंड कर दिया गया है, अभी इसका यूज नहीं है। अभी हम जो भी परचेज का डिटेल देते हैं वो ग्रॉस बेसिस पे देते हैं एंड GSTR 3B में देते हैं गाइस, तो अभी ये GSTR 2 भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द GSTR 3, इसको भी सितंबर 2017 ऑनवर्ड से क्या कर दिया गया है, सस्पेंडेड कर दिया गया है। इसमें मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें क्या डिटेल देना पड़ता था, मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स आउटवर्ड्स की सप्लाई की डिटेल्स देना पड़ता था, इनवर्ड सप्लाई और टैक्स का पेमेंट देना पड़ता था। अब ये डिटेल्स हम लोग GSTR 3B में देते हैं, ये क्या कर दिया गया, GSTR 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द GSTR 3B, अभी ये एक्टिव है, मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को GSTR 1 एंड GSTR 3B भरना है। GSTR 1 आपको मंथली या क्वार्टरली जैसा आपने ऑप्ट किया है उस बेसिस से फाइल करना है, एंड GSTR 3B में क्या देंगे हम लोग, सिंपल रिटर्न इन विच समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिक्लेयर्ड एंड पेमेंट। इसमें आउटवर्ड सप्लाईज की समरी हमें देना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जो भी हमने ITC जो भी क्रेडिट है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, एंड पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स इज अफेक्टेड बाय द टैक्स पेयर, ये मंथली फाइल करना पड़ेगा गाइस, एंड स्टेगर्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, प्रीवियसली 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर ऑल द टैक्स पेयर। और क्या इसमें चेंजेस आया, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर द टैक्स पेयर, पहले क्या था ये, प्रीवियसली मतलब पहले 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, करेक्ट, जो GSTR फाइल करना पड़ता था 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ में हमें फाइल करना, जैसे अप्रैल का हमें 20 मई तक फाइल करना रहेगा। बट अभी इसमें चेंजेस आ चुका है, चेंजेस क्या है गाइस, यहाँ देखिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर द टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, देन आपको 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में फाइल करना है, मतलब यू विल हैव टू चेक क्या हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल मोर देन लिखा हुआ है, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा था। अगर आंसर इज येस देन यू विल हैव टू फाइल द रिटर्न 20th of the next month फॉर द टैक्स पेयर विद द एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल और बिलो ₹5 करोड़। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस क्लास हैं, जिनका अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए 22nd of the next month ऑफ टैक्स ईयर इन कैटेगरी एक्स स्टेट। अगर आप एक्स, दो कैटेगरी में स्टेट्स को बांटा गया है, एक्स स्टेट्स एंड वाई स्टेट्स। अगर आप एक्स स्टेट्स कैटेगरी के हैं तो आपका जो डेट रहेगा और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो 22nd of the next month फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आप वाई कैटेगरी स्टेट्स के हैं तो 24th of the next month। यहाँ मैंने लिस्ट दे रखा है कैटेगरी एक्स एंड कैटेगरी वाई का, जिसको आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं कि कैटेगरी एक्स में कौन कौन से स्टेट फॉल करते हैं एंड कैटेगरी वाई में कौन कौन से स्टेट फॉल करते हैं। अगर आप कैटेगरी एक्स में फॉल करते हैं गाइस तो उस केसेस में आपको 22nd डेट को क्या करना पड़ेगा, 22nd डे को आपको GSTR 3 भी फाइल करना पड़ता है, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। और अगर आप स्टेट वाई कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो 24th रहेगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। बट ध्यान रहे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा जाता है तो आप चाहे एक्स कैटेगरी के हैं या वाई कैटेगरी स्टेट्स में फॉल करते हैं, आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो 20th of the next month रहेगा। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से हमने GSTR 3 भी देखा। अब नेक्स्ट आता है CMP 08। CMP 08 दैट इज कंपोजिशन स्कीम। मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल टैक्स पेयर एंड सेकेंड वन इज द कंपोजिशन स्कीम डीलर्स, जो इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को चूज किया है। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम को चूज किया है तो आपके केसेस में CMP 08 फाइल करना पड़ेगा। ये क्या है बेसिकली, स्टेटमेंट कम चालान टू मेक अ टैक्स पेमेंट बाई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट, नोटिफिकेशन नंबर दिस 02/2019 डेटेड 7th March 2020, दैट इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। और ये कब फाइल करना पड़ेगा, क्वार्टरलीज एंड 18th of the succeeding quarter, द ड्यू डेट इज द 18th of the month ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। मतलब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम चूज किया है गाइस तो उस केसेस में आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है, दैट इज द CMP 08, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है जो कि हम आपको आगे बात करेंगे। मतलब आपको 2 रिटर्न फाइल करना है, एक क्वार्टरली बेसिस पे दैट इज द CMP 08, जिसका ड्यू डेट होगा 18th of the month सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब क्वार्टर के अगले महीने के 18 तारीख तक आपको CMP 08 फाइल करना पड़ेगा। ये क्या है, इसमें ये स्टेटमेंट कम चालान है, इसमें आपको डिटेल्स देना है कि हमने कितनी टैक्स को कलेक्ट किया है, उसे आपको पे करना पड़ता है। बिकॉज कंपोजिशन डीलर को ITC का बेनिफिट नहीं मिलता है, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करते हैं अपने सेल्स पे वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे पे करना पड़ता है। अब आप बात करते हैं GSTR 4। अब ये GSTR 4 क्या है, Returns for a taxpayer registered under the composition scheme under section 10 of the CGST Act, supplier of goods and CGST rate notification number 02/2019 dated 7th March 2020। मतलब हमने आपको बताया 2 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा गाइस, एक तो आपको CMP 08 फाइल करना पड़ेगा जो क्वार्टरली बेसिस पे किसको, कंपोजिशन डीलर को, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा दैट इज द GSTR 4। इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअली रहेगी और इसका जो डेट रहेगा 30th of the month सक्सीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट गाइस? तो आई होप कि यू विल क्लियर। अभी नॉर्मल टैक्स पेयर की अगर बात करें तो 2 रिटर्न हमने देखा कि 2 रिटर्न कौन कौन से भरने हैं, बाकी के 2 रिटर्न जो है वो सस्पेंडेड हो गए हैं। आपको 2 रिटर्न GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। GSTR 1 फाइल करना है वो मंथली या क्वार्टरली जैसा आपने ऑप्ट किया है, 3 भी जो फाइल करना है वो आपको मंथली बेसिस पे ही फाइल करना है। और अगर कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन डीलर हैं अगर आप, तो उस केसेस में गाइस आपको CMP 08 फाइल करना है एंड GSTR 4 फाइल करना है। CMP 08 जो रहेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे एंड GSTR 4 एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आते हैं GSTR 5 पे गाइस। GSTR 5 किनको फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फॉर अ नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा और उसका जो डेट, उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगी फाइल करने की, वो मंथली बेसिस पे रहेगा, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। करेक्ट। जीएसटीआर 6, रिटर्न फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इट्स ब्रांचेस एंड मंथली एंड 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जीएसटीआर 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ये फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 किसको फाइल करना है? रिटर्न फॉर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिडक्टिंग टीडीएस। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उन्हें फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 7। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज द मंथली रहेगी गाइज, आपको मंथली फाइल करना है एंड 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट वन इज द जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 किनको फाइल करना है? डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, अगर आप इन सब चीज़ों से, अगर इन प्लेटफॉर्म का यूज करके अगर गुड्स को सेल करते गए तो आपके केसेस में जीएसटीआर 8 आपको फाइल करना पड़ेगा एंड मंथली फाइल करना पड़ेगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कम टू द नेक्स्ट वन, जीएसटीआर 9। ये एनुअल रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर, जो जैसे हमने बताया कि आपको जीएसटीआर 4 जो फाइल करना है वो कंपोजिशन डीलर को करना है एंड जीएसटीआर 9 जो है वो नॉर्मल टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न फाइल करना है एंड द डेट इज 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो जो 31 मार्च से जो क्लोज हो रहा है तो आपके पास 31st दिसंबर तक आपको क्या करने को जीएसटीआर 9 फाइल करने को टाइम मिल जाता है, आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। अब आता है आपका जीएसटीआर 9C गाइस, जीएसटीआर 9C। व्हाट इज द जीएसटीआर 9C? जीएसटीआर 9C इज अ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो सर्टिफाइड कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे इसको एंड एनुअली फाइल करना है 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 9 और 9C का डेट सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज द जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 क्या है? ये फाइनल रिटर्न है टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर हुज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया है उस केसेस में आपको जीएसटीआर 10 फाइल करने की जरूरत है। जब आपने जीएसटी, वो एक फाइनल रिटर्न है। वंस व्हेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सरेंडर्ड, जब आपने कैंसल्ड या सरेंडर कर दिया है उस केस में विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज अ लेटर, जब कैंसिलेशन ऑर्डर हो जाए या आपका कैंसिलेशन हो जाए उसके 3 महीने के अंदर जीएसटीआर 10 फाइल करना है। नेक्स्ट वन इज द जीएसटीआर 11। जीएसटीआर 11 क्या है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग अ यूआईएन एंड क्लेमिंग अ रिफंड। जो यूआईएन है गाइस, यूआईएन क्या है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। जो यूआईएन है, जिन्होंने रिफंड क्लेम कर रखे हैं उन्हें जो जीएसटी रिटर्न फाइल करना है दैट इज द जीएसटीआर 11, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली 28th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। ठीक है ना गाइस, क्या करना है आपको? 28th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड, 28 को आपको इसको फाइल कर देना है। अब नाउ द क्वेश्चन इज गाइज, इस तरीके से हमने देखा जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 11 रिटर्न्स के फॉर्म किनको फाइल करने हैं एंड उसके ड्यू डेट क्या है। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं यूआईएन क्या होता है। तो यूआईएन स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूआईएन स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ए स्पेशल क्लास ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉरेन डिप्लोमेटिक and embassies which are not liable to tax in the Indian territory. Any amount of tax that is a direct or indirect collected from such bodies is refunded back to them. मतलब जो क्या होते हैं आपके फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं, एम्बेसी होते हैं, उन्हें क्या करना होता है? उनको हम लोग टैक्स नहीं चार्ज करते हैं। अगर उनसे कोई टैक्स चार्ज किया जाता है तो उनको रिफंड देना पड़ता है। करेक्ट गाइस। तो ये इस केस में जीएसटीआर 11 भरेंगे वो, एंड उनको रिटर्न जो भी हमने कलेक्ट किया है वो रिटर्न क्या करना पड़ता है, उनको रिफंड डिपार्टमेंट करता है। एंड व्हाट इज द जीएसटीआर 9? जीएसटीआर 9 इज द एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय एवरी जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, whereas GSTR 9C is the reconciliation statement to be submitted by those GST registered taxpayer to whom GST audit applies. जिस पे GST audit apply होता है उसे GSTR 9C फाइल करना है, एक reconciliation statement है, and GST audit applies to those taxpayer whose turnover exceed the 2 crores. और GST audit किस पे अप्लाई होता है guys? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमने एक डिस्क्लेमर लिखा है गाइस, ऑल द रूल्स स्टेटेड अबव आर सब्जेक्ट टू द चेंज एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। हमने ऊपर जो भी डेट बताए गाइस, ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं एज पर रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। तो ये एक बेसिक आपको डेट बताया गया है, चेंज होने पे आप जो भी अपडेटेड अपडेशन आएंगे उसके बेसिस पे हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर्स में जीएसटी रिटर्न क्या होता है वो हमने सीखा, उसके बाद हु शुड फाइल द जीएसटी रिटर्न, किनको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, एंड जीएसटी रिटर्न एंड ड्यू डेट, कौन कौन से जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं एंड उसके ड्यू डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके कैसे GSTR 1 फाइल करते हैं वो सीखेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।